भोजन क्यों किया? निवेदन करते हुए महारानी पंचाली को उत्तर दिया, देवी अगर व्यक्ति मीठा खाता तो खट्टा खाने की मन में जिज्ञासा, और खट्टा खाता तो तीखा खाने की जिज्ञासा, तीखा खाता तो कटोरस के बारे में विस्तृत है। इस प्रकार भगवान के एक प्रसाद का मैं तिरस्कार करके दूसरे तीसरे चौथे प्रसाद का तिरस्कार करता, और भगवान का प्रसाद ही भगवान का स्वयं तिरस्कार है। इसलिए मैंने समस्त भोजनों में एकत्र करके भगवान का सम्मान करते हुए प्रसाद पाया है। यही कारण महारानी द्रौपदी का धन द्वारा सूर्य यज्ञ कराकर भगवान उस दिनों अपने हस्तिनापुर में रहे, फिर वहाँ से चल पुनः द्वारिकापुरी। तिवारी भैया की कथा के प्रसंग बहुत बड़े बड़े हैं, वो कई कई अध्याय हैं, लेकिन जहाँ जैसा समय मिल रहा है आइए गोविंद के चरणों को प्रणाम करते हुए आज के इस परंपरा को संकोच होते हैं। और इसे राजस्वी यज्ञ में महाराज दुर्योधन का पंचाली के द्वारा अपमान भी, क्योंकि दानव शिल्पी महाराज मैनम के दानों के द्वारा बनाई गई राजसभा, क्योंकि दान देने का कार्य जानते जिसके हाथ में था दुर्योधन के कारण, और दुर्योधन को सौंपा था भगवान ने। बल्कि एक दिन दादा भीम ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, दान देने का काम दुर्योधन और कर्ण को क्यों सौंप दिया? क्योंकि मेरे प्रतिबंध प्रतिद्वंदी है। भगवान ने कहा, दान किसका देगी? दान तो तुम्हारा है, दान कोई भी दे। तिवारी जी, आपका भोजन चाहे हम परसे, चाहे तिवारी, चाहे मिश्र जी, चाहे शुक्र जी, चाहे ठाकुर जी, चाहे वैश्य जी, भोजन तो आपका ही है ना, गुण तो आपको मिलेगा। और फिर प्रतिद्वंदता में ज्यादा से ज्यादा दान करें, कल्याण ज्यादा से ज्यादा हमारा। भगवान की जय। भगवान ने तीर्थ यात्रा करते हुए मने उठकर प्रणाम करने के लिए 88,000 ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को संबोधन करते हुए सूत जी ने जब दाऊ भैया को प्रणाम नहीं किया, 33 वर्ष की यात्रा में गए भगवान बलराम को प्रणाम न किया, तो दाऊ भैया ने उषा का अग्रभाग एक दिन का उठाकर जैसे ही सूत जी पर फेंका तो सूत जी की मृत्यु, ऋषियों ने ब्रह्म हत्या का पाप लगा। प्रभु इजाद का शूद्र जरूर था जिसका पिता ब्राह्मण, माँ क्षत्रिय या वैश्यकुल की हो, उन दोनों के अंश के जो संतान परंपरे जन्म लेते हैं उसे शूद्र की संज्ञा प्रदान की जाती। बुरे क्षत्रिय है ये शूद्र है, इसके मारने से ब्रह्म हत्या नहीं लग सकती। ऋषियों ने कहा कि महाराज, पंडित की कोई जाति होती, ज्ञान ही पंडित होता है और कर्म ही ब्राह्मण होता है, वही निज होता है। जिसके संस्कार श्रेष्ठ हैं वही निज है, वही ब्राह्मण है, और जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। पंडित की कोई जाति होती, ज्ञान जिस व्यक्ति के पास पहुंचेगा तिवारी जी उसे उसे पंडित बना देता। ओम नाभ्यासीदं परशिवशिष्णोरुहु सोमप्रभ्याभूमनसः सोदारुणालोकार्पकन्नानैश्चिन्नजीर्यामि आजमणिमुक्ताकोशविरोसभ्यामि पुष्पचक्रशिरभिसामने हिरण्यगर्भहारोर। घी से हवन करें। ओम गंगाप्रये स्वाहा, ओम गौर्ये स्वाहा, ओम परमारे स्वाहा,
ओम सच्चे स्वाहा, ओम मेघारे स्वाहा, ओम सावित्रे स्वाहा, ओम विजयाये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। दूसरी दें संविदा। चंद्र देवता का ध्यान करेंगे। ओम इमं देवा सपदनकम स्वत्तम महादेव छत्रा महादेव ज्येष्ठा महादेव जानस्येन्द्रियाय पुत्रमस्य विशेष भूमि राजा सोम अस्माकं ब्राह्मणानां राजा भूर्वासाय नमति उद्भो चंद्राय स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा। मंगल का ध्यान करते हुए हवन करें। ओम अग्ने मूर्धा दिवहा गणपतिहि पृथिव्यम् अयमपाकुमरेदाकुं श्रीमति भूर्वासा भौमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तो मेरे, शरण गहो मैं किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस धरो मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे।